नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय के यूजी व पीजी के विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुँचे सही व सटीक न्यूज। ये आप दोस्तों देख सकते हैं, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। विश्वविद्यालय में जो पीजी की परीक्षाएं हैं वो 5 मई से होने वाली है और जो आपके यूजी की परीक्षाएं हैं दोस्तों वो 20 मई के बाद में है। वो प्रस्तावित आपको दिखा देता हूं दोस्तों, पूरी अपडेट है वो क्या है, ये आप दोस्तों देख सकते हैं। एमएड स्पेशल एजुकेशन आईडी की जो परीक्षा है वो 5 तारीख से होने वाली है। व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के जेएनयू पाठ्यक्रम के वर्ष 2022 के एमए एमकॉम एमएससी सीबीसीएस स्कीम प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो 5 मई से होना प्रस्तावित है। एमएड स्पेशल एजुकेशन आईडी द्वितीय सेमेस्टर वर्ष 2021 की परीक्षाएं भी 5 मई से शुरू होगी तथा प्रवेश पत्र नियत समय पर जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर के आर गेनवा ने बताया कि वही द्वितीय सप्ताह में राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण वर्ष 2022 स्नातक नियमित स्वयंपाठी भूतपूर्व परीक्षार्थियों की जो परीक्षाएँ हैं वो मई माह के तृतीय सप्ताह से प्रारंभ होना प्रस्तावित है, जिनके समय सारणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर शीघ्र जारी कर दी जाएगी। आपको पता ही है मई के सेकंड वीक में है वो राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा वो प्रस्तावित है। इस कारण से है वो विश्वविद्यालय चाहता है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के साथ में है वो तिथियों का टकराव ना हो, इस कारण से मई के तृतीय सप्ताह से है वो यूजी के विद्यार्थियों की वो परीक्षाएँ हैं वो प्रारंभ की जाएगी। प्रोफेसर के गेनवा ने बताया है कि जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा आवेदन की हार्ड कॉपी संबंधित विभाग या संकाय में जमा करवाई है उन्हीं परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जारी होंगे। उन्होंने बताया है कि विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित रहने की जो जिम्मेदारी है वो खुद की होगी, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान जरूर रखें। और भी कोई अपडेट राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय से आती है तो सबसे पहले आपको हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से जानकारी देकर के अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।